पहले तो मैं पाकिस्तान के उन मंत्री का धन्यवाद देता हूं कि जिस बात को अब तक नहीं कबूल रहे थे उन्होंने कबूल ली। आतंकवादी घटना कराना अगर बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है या अचीवमेंट माना जाता है सरकार का, तो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जितना इसके ऊपर दुनिया अलग अलग प्रतिबंध लगाए उतना ज्यादा अच्छा है दुनिया के लिए। और आपको मालूम है कि हमने तो हमेशा से यही कहा है, सरकार ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान के द्वारा हम परोक्ष युद्ध को झेल रहे हैं और पुलवामा के अंदर सारे तार पाकिस्तान की तरफ दिखते हैं। लेकिन भारत के अंदर बहुत से ऐसे पाकिस्तान प्रेमी भी हैं जो कि किसी समय सरकार में भी रहे, जो सोचते हैं कि पाकिस्तान की जितनी हिमायत की जाए उतना अच्छा है। आज शायद उनके मुंह पर भी एक अच्छा चांटा लगा है। सर, आपने जो जिक्र किया, जब पुलवामा का हमला हुआ कुछ समय के बाद, क्योंकि चुनाव भी होने थे, तो जो विपक्ष की कई पार्टियों ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया था, और कुछ पार्टियों ने तो यहां तक कह दिया था कि सरकार जो है सैनिकों की शहादत को इस्तेमाल कर रही है चुनाव के लिए। कुछ लोगों ने तो यहां तक सवाल उठाया था, कुछ नेताओं ने, कि पुलवामा का जो हमला है कहीं वो भी प्लान तो नहीं है। देखिए, लोग कितने निकृष्ट हो सकते हैं ये उनके बयानों ने आपको बता दिया। जो हिमायती थे पाकिस्तान के बारे में बात करते थे और अपने राजनीतिक फायदे के लिए बिना ये सोचे कि उसका क्या दुनिया के अंदर असर होगा, ये कहना कि सरकार ने ही कराया होगा। और इसीलिए इससे पहले भी इसी पार्टी ने एक भगवा आतंक की बात की थी, एक उसका बड़ा वो बनाना रूप बनाना चाहा इन्होंने। ऐसे लोगों के ऊपर जनता को लेश मात्र भी विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि इनको खुले में जूते लगाने चाहिए। सर, जो पाकिस्तान स्वीकार किया है कि पुलवामा में हमला कराया, एक बात हमेशा से उठती रही है, हिंदुस्तान का एक हमेशा से नजरिया रहा है कि वहां पर आतंकवादी जो संगठन है उनकी पुष्टपनाही होती है, उनको सपोर्ट मिलता है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या रोल होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर? देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को समझ रही है और अब ये जब कबूलनामा आया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस चीज़ को लेकर बताएंगे कि FATF के अंदर बिल्कुल उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। अभी वो ग्रे लिस्ट में, पर इसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, इसको कोई किसी भी तरह की मदद कहीं से ना मिले, ताकि इनके लोगों को पता चले कि आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश बिल्कुल दुनिया से अलग थलग हो जाए। सर, एक आखिरी सवाल है सर, बस इमरान तरह से अभी वहां पर घिरी हुई है, पाकिस्तान की जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, गृह युद्ध की आशंका है, तो क्या इमरान खान सरकार इस तरह की बयानबाजी करके भी कुछ ऐसा लगता है कि वो एक नेशनलिज्म को हवा देना चाह रही है? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता है उसके पीछे उनकी सेना का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आतंकवाद आज पनप रहा है और वो हमारे साथ परोक्ष युद्ध कश्मीर को लेकर कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि उससे पाकिस्तानी सेना का अस्तित्व कायम रहता है। उनको जो पावर मिली हुई है वो उनको मिलती रहती है, वो सबको डराते हैं कि अरे पता नहीं क्या हो जाएगा। और इसलिए लोग बात कहते हैं कि हर देश के पास सेना होती है लेकिन पाकिस्तानी सेना के पास देश है। तो ये मैं नहीं सोचता कि पाकिस्तान सरकार लोगों को बहला फुसला रही है ये कहकर, बल्कि लोगों को बता रही है कि कितने निकम्मे हैं। लेकिन हमारी सेना सर कहाँ खड़ी है, जब अपोजिशन की पार्टियां जो है सेना तक पर सवाल उठाती हैं, जो चीन जिस तरह से चीन का इंकर्शन हुआ या चीन के साथ जिस तरह से झड़प हुई उस पर तक सवाल उठाए जाते हैं, सरकार से लेकर के सेना तक पर सवाल उठ जाते हैं? ऐसा है कि जब लोग अपने देश की जगह दूसरे देश के साथ प्रेम दिखाते हैं तो माथा ठनकना चाहिए कि इसके पीछे क्या है।
क्या सब राजनीति है या कुछ और भी है? कहीं इनको भी वहां से कुछ पैसा तो नहीं मिल रहा ऐसे लोगों को? ये सब जांच के विषय है और मुझे आशा है कि गृह मंत्रालय इस चीज को सोचेगा इसके बारे में, क्योंकि ऐसे लोग जो कि देश के हिमायती नहीं है, अपने आप को भारतीय कहते हुए भारत की बदनामी करने पर तुले हुए हैं, ऐसे लोगों की जांच अवश्य होनी चाहिए।